नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेगा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर मानव प्रजनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। सभी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपने पिछले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों 2009 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है केंद्रक, बी है सेंट्रीओल, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है एक्सोनियम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। ये भी क्वेश्चन 2009 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है अनिषेचित अंडे, बी है सहायक कोशिका, सी है एंटीपोडलस और डी है द्वितीयक केंद्रक। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी द्वितीयक केंद्रक। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गैमिट निर्माण को कहते हैं, गैमिट निर्माण को कहते हैं। ऑप्शन ए है गैमिटोजेनेसिस, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। दूसरा क्वेश्चन है, भ्रूण कोष की सेंट्रल कोशिका है। ऑप्शन ए है प्रारंभिक केंद्रक, बी है द्वितीयक केंद्रक, सी है सहायक कोशिका और डी है ए और बी दोनों। तो सही आंसर होगा द्वितीयक केंद्रक, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। पांचवा है, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है लीवर में, बी है अंडकोष में, सी है किडनी में और डी है फेफड़ा में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अंडकोष में। छठा क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है एस्ट्रोजेन, बी है ईएलएच, सी है एंड्रोजेन और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी ईएलएच। सातवां क्वेश्चन है, एक्रोसोम किसका संभाग है। ये क्वेश्चन देखिए 2016, 2017 और 2017 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है ब्लास्टोसिस्ट, बी है प्रारंभिक डिंब कोशिका, सी है मानव शुक्राणु का शिरस्थ भाग और डी है मानव शुक्राणु का मध्य भाग। सही आंसर होगा ऑप्शन सी मानव शुक्राणु का शिरस्थ भाग, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आठ में है, सट्रोली कोशिकाएं पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन देखिए 2017 के एनुअल में और कंपार्टमेंटल में भी पूछा गया है। ऑप्शन ए है ब्रिसन, बी है गर्भाशय, सी है अंडाशय और डी है अकृत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिसन। नौवां क्वेश्चन है, मासिक चक्र पाया जाता है, मासिक चक्र पाया जाता है। ऑप्शन ए है मनुष्य की मादा में, बी है स्तनपायी मादा में, सी है प्रीमेट की मादा में और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रीमेट की मादा में। दसवां है, निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है, निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है। ऑप्शन ए है गर्भाशय, बी है भग, सी है लेबिया मेजोरा और डी है काउपर ग्रंथि। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी काउपर ग्रंथि। 11 में है, प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है। ऑप्शन ए है दो अंडाणुओं का, बी है एक अंडाणुओं का, सी है दो से अधिक अंडाणुओं का, डी है अंडाणुओं का उत्सर्जन नहीं होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक अंडाणुओं का। अगला क्वेश्चन में है, विकास के दरमियान स्पर्मेटोजोआ पोषण प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, बी है संयोजी उत्तक कोशिकाओं के द्वारा, डी है सी है आंतरिक कोशिकाओं के द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए सर्टोली कोशिकाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 13 नंबर में प्रोस्टेट ग्रंथ उपस्थिति होती है। ऑप्शन ए है ब्रिक के ऊपर, बी है ब्रिसन के पास, सी है यूरेटस के निकट और डी है मूत्र मार्ग के चारों ओर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 14 में दिया हुआ है, भ्रूण की 16 कोशिकाएं अवस्था कहलाती है। ऑप्शन ए है मोरूला, सही हो जाएगा ऑप्शन ए। 15 में है, युग्मकों की गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। ऑप्शन ए है 21, बी है 23, सी है 44 और डी है 46। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23। 16 में है, शुक्रजनक नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को कहते हैं। ऑप्शन ए है सर्टोली कोशिकाएं, बी है लीडिंग कोशिका, सी है अस्परमेटागोनियल कोशिका। ऑप्शन सी हो जाएगा सही अस्परमेटागोनियल कोशिका। क्वेश्चन देखिए अगला 17 में दिया हुआ, प्राइमरी अस्परमेटोसाइट
से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 8, बी है 4, सी है 3 और डी है 1। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। 18 में है द्विगुणित है। ऑप्शन ए है अंड, बी है प्राग, सी है ए और बी दोनों और डी है युग्मनज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी युग्मनज। 19 में है किस हार्मोन द्वारा अंतोत्सर्ग नियंत्रित होता है। ऑप्शन इसका देखिए डी हो जाएगा सही, एफ एस एच तथा एल एच। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र लेंस बनता है। ऑप्शन ए है एक्टोडर्म से, बी है मिसेडर्म से, सी है एंडोडर्म से और डी है एंडोडर्म एवं मिसेडर्म से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्टोडर्म से। 21 में है कोरक का गुहा कहलाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही ब्लास्टोसील। 22 में निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है। ऑप्शन ए है एस्टोडर्म, बी है एंडोडर्म, सी है मेसोडर्म और डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्स्टोडर्म। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए है रिलैक्सिन द्वारा, बी है प्रोजोस्टेरोन द्वारा, सी है एस्ट्रोजेन द्वारा और डी है गोनोडोट्रोपिन द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस्ट्रोजेन द्वारा। 24 में है प्रोस्टेट ग्रंथियों से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है हार्मोन, बी है एंजाइम, सी है एक प्रकार का द्रव और डी है बीर। ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक प्रकार का द्रव। 25 में है पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि है। ऑप्शन ए है प्रोस्टेट ग्रंथि, बी है शुक्राशय, सी है कॉपर ग्रंथि, डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है। ऑप्शन ए है शुक्राणु, बी है अंडवाहिनी, सी है अंडाणु और डी है प्रोस्टेट। तो सही आंसर हो जाएगा सी अंडाणु। 27 में है गर्भाशय एक होता है जो कहलाता है। ऑप्शन ए है फिम्ब्री, बी है इस्थमस, सी है एम्पुला और डी है बुम्ब। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उम्ब। नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। ऑप्शन ए है अंडाणु, बी है शुक्राणु, सी है वीर्य और डी है युग्मनज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी युग्मनज। 29 में दिया हुआ काउपर ग्रंथि उपस्थित होता है। ऑप्शन ए है नर में, बी है मादा में, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर में। 30 में है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों द्वारा ऑप्शन ए लैंगिक प्रजनन होता है, बी नर तथा मादा के बीच अंतर प्रकट होता है, सी शुक्राणुओं की उत्पत्ति होती है, डी अंडाणुओं की उत्पत्ति होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी नर तथा मादा के बीच का अंतर प्रकट होता है। अगला देखिए क्वेश्चन 31 में क्या पूछता है, स्तनधारियों में वृषण उत्तर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है शुक्राणु जनन के लिए, बी है निषेचन के लिए, सी है जनन अंगों के विकास के लिए और डी है बी सरल अंगों के विकास के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए शुक्राणु जनन के लिए। 32 में है मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंतोत्सर्जन होता है। ऑप्शन ए है 8वें से 10वें दिन, बी है 12वें से 12वें दिन, सी है 14वें से 15वें दिन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33 में है जनन कोशिका शुक्राणु द्वारा जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए है शुक्राणु जनन द्वारा, ऑप्शन बी है स्पर्मेटिड्स द्वारा, सी है स्पर्मेशियन द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए शुक्राणु जनन द्वारा। 34 में है एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है। ऑप्शन ए है शरीर, बी है सिर, सी है पुच्छ और डी है शुक्राणु जनन। सही आंसर होगा ऑप्शन डी शुक्राणु जनन। 35 में है अंडाशय पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है नर जनन तंत्र में, बी है मादा जनन तंत्र में, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा मादा जनन तंत्र में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। गर्भाशय का भीतरी स्तर कहलाता है। ऑप्शन ए है कायोमीट्रियम, बी है जर्मिनल एपिथीलियम, सी है जनन एपिथीलियम और डी है एंडोमीट्रियम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंडोमीट्रियम। भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार की कोशिका कहलाती है। ऑप्शन ए है स्टेम सेल, सही। 38 में है फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है अंडाणुओं की सतह पर, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में गोनोडोट्रोपिन
हार्मोन्स है? ऑप्शन ए है एफ या सी एच तथा एल एच, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 40 में परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए शुक्राणु जनन, ऑप्शन बी एकोश्रोम, बी वीर और डी अंड जनन। तो सही जगह ऑप्शन डी अंड जनन। उसके बाद 41 में है इनमें से कौन अंडज है? ऑप्शन ए है एकीडना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एकीडना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बुल बाउरेथ्रल ग्रंथि स्थित होती है, बुल बाउरेथ्रल ग्रंथि स्थित होती है प्रोस्टेट ग्रंथियों के नीचे, यानी ऑप्शन जो है दोस्तों डी हो जाएगा सही। 43 में है शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, शुक्राणुओं का परिपक्वन जो है अधिवृषण में होता है, तो दोस्तों ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। 44 में है अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है इन फंडीबुलम, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है आपको इम्पोर्टेंट बताए जा रहे हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप जो है याद कर लीजिए, अपने कॉपी पर नोट करते जाइए और आपके एग्जामिनेशन 2023 में ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। ऑप्शन ए है 45 में है इन फंडीबुलम में अंगुलीकार प्रबर्ध कहलाते हैं फिम्ब्री, यानी ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा सही। 46 में है योनि द्वारा प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं हाइमन, यानी ऑप्शन जो है दोस्तों डी हो जाएगा सही। 47 में है प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, यानी कि ऑप्शन देखिए भ्रूण माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, वही ऑप्शन सी में आपको मिलेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 48 में है पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएँ विकसित होती है जनन अस्त्रों के द्वारा, यानी ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। 49 में है स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? ऑप्शन इसका देखिए डी हो जाएगा सही, पोषण में। लास्ट क्वेश्चन देखिए ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है, ग्रेफियन पुटिका जो है स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है, ऑप्शन जो है इसका दोस्तों डी हो जाएगा सही। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर को देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।